जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बिजनेस प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपना जीमेल क्रिएट करना है, और ये जीमेल ऐसा हो जो ना किसी सेलर सेंट्रल के बायर अकाउंट में यूज हुआ हो, ना सेलर सेंट्रल में यूज हुआ हो, ये इंटायर डिफरेंट हो। इसको आपने जब भी बिजनेस प्लान बनाना है उसके लिए आपने इंटायर एक डिफरेंट जीमेल एड्रेस आपने बनाना है। क्रिएट गूगल अकाउंट पे गए हो आप, यहाँ पे टू मैनेज बिजनेस, और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक नई टैब ओपन होगी। अच्छा, इसमें आपका फर्स्ट नेम आ गया समी खान, लिख लेते हैं। ठीक है, समी, हाँ ठीक है, पासवर्ड रख देते हैं, समी खान अवेलेबल नहीं है, समी खान 7 कर लेते हैं। ठीक है, ये भी नहीं है, समी खान 7 77 777 777 45। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पासवर्ड इसका लिख लेते हैं, ऑल इज वेल एट द रेट ऑफ 99 एंड ऑल इज वेल एट द रेट ऑफ 99। ठीक है, साथ में आपने इसकी एक इंफॉर्मेशन अपने पास सेव कर लेनी है एक नोट पैड में। ठीक है, इसके लिए आपने ये जीमेल का पासवर्ड लिख लेना है, जीमेल के लिए क्या है, और सेम मतलब उसी के लिए हमें रखने हैं। लाइक ये अब एक्सेप्ट हुआ है, समी खान, इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया एट द रेट ऑफ gmail.com एंड देन पासवर्ड है ऑल इज वेल एट द रेट ऑफ 99। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं जी। यहाँ पे कोई भी रैंडम सा नंबर दे देते हैं, ओके, एंड जुलाई कोई भी डेट दे देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। चलें जी, ये आपका जीमेल एड्रेस बन गया। इसको आपने ओपन रहने देना है। ठीक है, और ये समी खान आर सेट नो एच बिजनेस प्रोफाइल, आप इसको कहें कि जी अभी रहने दे, आप इसको ईमेल पे दे चले। ठीक है, हेयर इस अकाउंट, और इसको हम कहते हैं कि आप इसकी जीमेल को ओपन कर लें। ठीक है, ये जीमेल इसकी ओपन हो जाएगी। ओके जी, एक काम ये हो गया, इसकी बिजनेस इंफॉर्मेशन भी हमने रख ली और हमने इसका पासवर्ड भी रख ली। अच्छा, ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब हमने क्या करना है, एक वेबसाइट है सनबिज। ठीक है, सनबिज पे जाना है हमने और इसको क्लिक करना। यहाँ पे एंटिटी नेम में आपने जेली पुट करना है एंड सर्च करना है। यहाँ पे ये LLC की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, इनमें आपने एक्टिव उठानी जो एक्टिव होगी, और बेटर ये है कि आप इसको 7वें 8वें 10वें पेज से एंड वाले पेजों से उठाएं, सो दैट अगर ये यूज हुई हुई भी हो तो आप उसमें मतलब इन फ्रेश वन या न्यू वन जो है ना आप ढूंढ सकें। ठीक है, यहाँ रेडी होती जाएंगे, ये चौथा पेज आ गया, ये पांचवा आ गया, छठा आ गया, सातवां आ गया,
ये 8वां। अच्छा यहाँ पे हमने क्या करना है, आपने देखना है कि ये स्टेटस आ रहा है, आपने यहाँ से एक्टिव उठानी, लाइक चाहिए है ये एक्टिव आ रही है, इसको ओपन करना है। यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे इसका EIN नंबर होना चाहिए कुछ, जो है ना ये जो होती हैं LLCs उनका EIN नंबर नहीं होता, अगर ये ना हो ना तो फिर हमारा वो नहीं बनता, टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं होता। ठीक है, एक तो आपने ये चेक कर लिया, दूसरा ये एक्टिव होना चाहिए, तीसरा ये आ गया फ्लोरिडा प्रॉफिट कॉरपोरेशन, ठीक है ये इसका नाम आ गया। तीसरी चीज आपने ये देखनी है कि इसका ये एड्रेस सेम होना चाहिए, ये सेम है, ये सेम है, और ये देखें SW64AVE म्यामी फ्लोरिडा, ठीक हो गया। ठीक है, ये तीन चीजें आपने कौन कौन सी देखनी, एक तो आपने इसका देखना है EIN नंबर, उसके बाद एक्टिव है, और उसके बाद प्रिंसिपल मेलिंग और रजिस्टर्ड एजेंट का जो एड्रेस है ना वो आपने यहाँ पे देखना है कि ये ठीक दिया हो। ओके हो गया। अच्छा इसके साथ अब आपने आना है जनाब गूगल के ऊपर, और यहाँ पे आके आपने लिखना है क्रिएट न्यू बिजनेस प्राइम, ठीक है, क्रिएट न्यू बिजनेस प्राइम प्राइम अकाउंट। यहाँ पे आएंगे आप amazon.com के ऊपर, अच्छा यहाँ पे आपने साइन इन नहीं करना, आपने यहाँ पे क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट पे क्लिक करना है। अच्छा यहाँ पे आपने कौन सी ईमेल देनी है जो आपने यहाँ पे लिखी हुई है, सेम ईमेल, ठीक है ये वाली जो अभी आपने बनाई है, यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस देंगे और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ जाएगा, फर्स्ट नेम आप कोई भी यहाँ पे डाल सकते हैं, लाइक समी कौन है, पासवर्ड सेम रख लें, ऑल इज आसानी के लिए जो आपने जीमेल का रखा था, ऑल इज वेल एट द रेट ऑफ 99, ऑल इज वेल एट द रेट ऑफ 99, चेंज ना हो जाए मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ। ठीक हो गया, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे ये पजल दे रहा है, ठीक है तो इस पजल को भी सॉल्व करना पड़ेगा। चलें आज आपको पजल सॉल्व करने का तरीका भी बता दिया जाता है कि पजल सॉल्व कैसे करते हैं। चलें, अच्छा ये कहता है पिक द स्पाइरल गैलेक्सी, इसमें स्पाइरल कौन सी है, ठीक है ठीक है जनाब, उसने एक्सेप्ट कर लिया है, उसने आपकी ईमेल के ऊपर सेंड किया है OTP, ठीक है ये जो ईमेल हमारी ओपन थी इसके ऊपर OTP आया है। समी खान 777, हाँ ये आ गया, वेरीफाई योर अमेजोन अकाउंट 55 66 94 55
5 6 9 4, ठीक है यही है। ओके अच्छा, इसको अब हमने वेरीफाई करना है। अच्छा यहाँ पे मोबाइल नंबर आपने वो देना है जो न्यू हो, कभी अमेज़न बिजनेस प्राइम के ऊपर यूज ना हुआ हो, ठीक है। यहाँ पे आप पाकिस्तानी मोबाइल नंबर कोई भी दे सकते हैं, मेरा ऑलरेडी यूज हुआ हुआ है तो मैं एक दोस्त का ऐड करता हूँ, या अच्छा मैं एक दोस्त का ऐड करता हूँ, 0307 8635 469। ये एक्टिव नहीं होंगे तो मैं समी आपका ही दे रहा हूं, मेरे ख्याल में मैंने पहले फरात का दिया था, आपका नहीं दिया था, आपका ही इसमें जो है नंबर ऐड करते हैं, 0344 9670 987, ठीक है। आपको एक कोड आएगा, वालेकुम सलाम समी, आपको एक कोड आया होगा अमेजोन की तरफ से, ओटीपी वो तो सेंड कीजिएगा मुझे। मेरे फोन नंबर पे? जी जी आपके। अच्छा ठीक है, मैं आपको भी प्रोवाइड करूंगा। ओके ठीक है, उसके साथ में आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर जाना है और आपने लिखना है टेम्प्रेरी नंबर्स, ठीक है। इसको क्लिक करना है, मीनवाइल कोड आ गया समी भाई से, 1375 4 3 1375 4 3, क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट। ऑलरेडी एग्जिस्ट विद इन अनदर अकाउंट, यस ये अकाउंट के साथ ऐड है तो ये आपने कभी भी नहीं करना। सो हम क्या करेंगे, एक और दोस्त का नंबर लिया है क्योंकि समी भाई का जो नंबर है वो आ रहा है ऑलरेडी उस लिस्ट में, सो इसके लिए हमें हमेशा न्यू नंबर चाहिए होता है, 0325 8 1 4 7 0 2, एंड वी विल डू ऐड दिस नंबर एंड इसके ऊपर ओटीपी आएगा। ठीक है जी, कोड हमें रिसीव हो गया है, 2530008 इज द कोड एंड हम करेंगे क्लिक क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट। अच्छा यहाँ पे अब थोड़ी सी टेक्निकलिटीज हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है।
अब यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट नेम आपने कैसे लिखना है? ये फर्स्ट एंड लास्ट नेम आपने, ये जो एंटिटी डिटेल्स आपने सिलेक्ट की हैं, ठीक है, इसमें फर्स्ट एंड लास्ट नेम में आपने लिखना है जनाब उस बंदे का नाम, ठीक है। जस्ट अ मिनट मुझे दीजिएगा। हाँ जी, इसमें फर्स्ट एंड लास्ट नेम में आपने रजिस्टर्ड एजेंट नेम आ रहा है, ये आ रहा है रजिस्टर्ड एजेंट नेम, यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। इसको आपने सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और आपने फर्स्ट एंड लास्ट नेम में पुट कर देना, राइट। क्या करना है? रजिस्टर्ड एजेंट नेम डालना है। और उसके बाद फोन की बारी आती है, तो टेम्परेरी नंबर यहाँ पे लिखना है आपने कोई भी, ठीक है। और आपने जाना है यूएस के फोन नंबर्स पे। ठीक है, यहां आपने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे नंबर आ रहे होंगे डिफरेंट, तो आपने सिंपली कोई भी नंबर यहाँ से एक पिक करना है। इसको यहाँ से कॉपी करना है, नंबर कॉपी इट एंड पुट इट हियर, ठीक है। ये आपने पुट कर दिया। अब आ गई यहाँ पे, आपने ये इसको अनचेक ही रहने देना है। अब आ गई बिजनेस नेम, ठीक है। बिजनेस नेम पे आपने क्या लिखना है? हमेशा बिजनेस नेम में आपने ये लिखना है जो डिटेल बाय एंटिटी नेम है, ठीक है। ये तो प्रॉफिट कॉर्पोरेशन, इसके वो आ रहा है ना, इसको छोड़ देना। ये आपकी चेलपी पोर्ट रिपेयर इनकॉर्पोरेशन, ये आपकी आ रही है एंटिटी नेम या बिजनेस नेम, इसको यहाँ पे आपने कॉपी कर देना है। उसके बाद बिजनेस टाइप आपने अदर कर देना है। यहाँ पे आ गया बिजनेस एड्रेस, एड्रेस आपने डालना है ये वाला, ठीक है, 25 SW AVE यहाँ तक, ठीक है। ये आपने ऐड करना है स्ट्रीट एड्रेस, अच्छा ये ऑप्शनल है। अब इसके बाद आपने जिप कोड देना है, जिप कोड एंड में आ रहा है, ये देखें 3314, ठीक है। यहाँ पे आप जब जिप कोड देंगे तो ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा आपकी स्टेट और सिटी को, तो ये देखें। अच्छा एक और क्लियर कर रहा मैं, यहाँ पे मियामी और फ्लोरिडा दोनों यहाँ पे मैच हो रहे हो तो आपने इसको एक्सेप्ट करना है। अगर यहाँ पे हो सकता है जिप कोड के अलावा कोई और सिटी दे दे, तो फिर आपने यहाँ से मैनुअली कॉपी करके सेम यही एड्रेस यहाँ पे होना चाहिए। ये एक बड़ा मेन पॉइंट है, इसको जेन में रखना है कि फर्ज करें ये जिप कोड आप डालते हैं और यहाँ पे मियामी लिखा हुआ है और जिसने कोई और सिटी दे दी है, तो आपने इसको सिंपली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना और फ्लोरिडा स्टेट उसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया। सिंपली ये काम है, मैं रिपीट कर रहा हूँ जी। फर्स्ट एंड लास्ट नेम में आपने ये लिखना है रजिस्टर्ड एजेंट का नेम, बिजनेस फोन आपने टेम्परेरी नंबर से लेना है, उसके बाद बिजनेस इंफॉर्मेशन में आपने बिजनेस नेम उसका नेम लिखना है एंटिटी का जो ये ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अदर कर देना है और स्ट्रीट एड्रेस ये वाला डालना है, ये फर्स्ट वाला, ठीक हो गया। मियामी ये रहने देना है, उसके बाद आपने इसका जिप कोड देना है, तो ये ऑटो फेच कर लेगा। अगर इसमें ये फेच कर ले तो ठीक है, नहीं तो मैनुअल आपने एड्रेस उसी के मुताबिक मैच करना है और आपने क्रिएट कर देना है बिजनेस अकाउंट, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप आगे आएगा। कुछ कभी कभी होता है कि डायरेक्टली आपको ये कर देता है, लेकिन कभी कभी ये मांगता है कि जी आप मुझे कार्ड दें। सो आपने यहाँ पे ये जब ओपन हो रहा है तो यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं पुट करना, आपने सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपने कोई कार्ड की इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ भी नहीं देना, आपने सबमिट कर देना है। एंड ऑन द अदर हैंड यू विल गेट योर बिजनेस अकाउंट रेडी, ठीक हो गया। ये सारा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आपने ये बिजनेस प्राइम ये आपका बन गया है, हेलो समी एंड ऑल दोस थिंग्स, आपने इसको रेडी टू यूज है, ठीक है। ये सारा काम,
अब इसमें एक और आती है टैक्स एग्जेम्पशंस की, वो एक वीडियो आपने देख लेनी है, उसके साथ आपने ट्राई करनी है। अगर आपको उसमें मसला आ रहा है तो आई एम हेयर, क्योंकि उस वीडियो में बिल्कुल क्लियर स्टेप्स हैं आपने क्या क्या करने हैं, ठीक है। तो ये बिजनेस प्राइम बनाने का ये जो तरीका है, दैट्स फार इनफ कि यहाँ पे आपने ये जो 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 स्टेप्स मैंने किए हैं यही करने हैं, एंड योर बिजनेस प्राइम विल बी रेडी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।